जी हवदीन रजा, वेलकम बैक डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू ऑन आवर शो। आल्सो प्लीज यू कॉल मी, इनवाइट मी हियर। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये आपका जो पोर्टफोलियो है वो इतना बड़ा है, वो हम आपसे अब डिस्कस करेंगे। बच्चों के अंदर जो एक बीमारी है रिलेटेड टू ब्लड, और ये पाकिस्तान में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है? देखिए, ये जो बहुत कॉमनली बीमारी है खून की, वो थैलेसीमिया ये हमारे यहाँ। थैलेसीमिया की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ये एक्चुअली पैदाइशी तौर से माँ और बाप के ज़रिए से जिसम में जो मुंतकिल होती है औलाद के अंदर। अगर एक ऐसा माँ कपल या लड़का लड़की जो एक थैलेसीमिया की, ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बहुत सारे चिप्स बनाए हैं, हर चीज़ का चिप है, हमारे कलर के लिए, हमारी नज़र के लिए, हमारे चेहरे के लिए। इसी तरह एक हमारे खून का हिस्सा होता है हेमोग्लोबिन, उसके भी कुछ चिप्स हैं जो माँ में भी होते हैं, बाप में भी होते हैं। अब अगर ये चिप्स वैसे नॉर्मल लोगों में नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये चिप्स जो है ये एक एबनॉर्मल चिप्स होता है। तो अगर दो ऐसे लोगों की शादी हो जाए जिसमें ये एबनॉर्मल चिप्स हो हेमोग्लोबिन का, तो उसके नतीजे में ये साइंस है कि 25% चांस है कि होने वाला बच्चा जो है थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा। इसमें जो ये फैमिली इंटर फैमिली मैरिजेस हैं, इज दैट आल्सो वन ऑफ द, बिल्कुल इसमें ये रोल भी इसमें है। लेकिन बेसिकली वाली आम समझने की बात यह है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है, जब माँ के पेट में परवरिश पा रहे होते हैं तो माँ अपनी ऑक्सीजन दे रही होती है, उस वक्त जो अल्लाह ताला ने हमारे खून में एक रेड सेल पैदा किए हैं, वो ये गाड़ियाँ हैं जो कि ऑक्सीजन ले आने का काम करती हैं। तो उस वक्त ये गाड़ियाँ काम नहीं कर रही होती हैं क्योंकि वो माँ की ऑक्सीजन चल रही है। लेकिन जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, पैदाइश होती है और पहली चीख हम निकालते हैं, यानी फर्स्ट क्राई होती है, तो उस वक्त हमारा अपना निज़ाम जो है ऑक्सीजन लेने का ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये 6 माह के अंदर वो जो गाड़ियाँ हैं, जो छोटी छोटी सी गाड़ियाँ हैं, वो बड़ी गाड़ियों में कन्वर्ट होती हैं जो इस काबिल हों कि वो पूरी ऑक्सीजन फेफड़ों से लें और जिसम के हर जगह जाके दे के आएँ। तो थैलेसीमिया में इन लोगों में ये जो कन्वर्जन का अमल है, ये या तो नामुकम्मल होता है, या इसमें जो रेड सेल बनते हैं वो छोटे साइज़ में होते हैं, या टेढ़े वेढ़े होते हैं और एबनॉर्मल साइज़ के होते हैं। इस वजह से ये 6 माह के अंदर पता चलता है कि बच्चों को कुछ अलामत आनी शुरू होती हैं कि बुखार हो गया, उल्टी जो लाभ हो गया, वो दवाइयों से भी नहीं सही होता। जब हम खून टेस्ट करके देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि इनकी रेड सेल जो हैं वो मकदार में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी शक्ल जो है वो छोटी बहुत है। अच्छा। और इस काबिल नहीं है कि वो ऑक्सीजन लेने का काम करें। अच्छा। तो बेसिकली ये बच्चे कहलाते हैं थैलेसीमिया मेजर, जिनमें ज़्यादा मकदार ख़राब होती है वो मेजर है, जिनमें कम होती है वो इंटरमीडिएट है, और जो खाली मामूल से होते हैं वो एक थैलेसीमिया ट्रेट कहलाते हैं। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 6-7% थैलेसीमिया माइनर के ट्रेट मौजूद हैं। अब हमें करना ट्रेट का मतलब है माइनर, यानी उसमें कोई नॉर्मलिटी नहीं है, नॉर्मल होते हैं। एक एहतियात होती है कि ऐसे दो लोगों की आपस में शादी ना हो। और ये आपको इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि प्रायर टू गेटिंग मैरिड, बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ, टू बी हस्बैंड एंड वाइफ, अपना ब्लड टेस्ट करा लें, एंड दैट इज वेयर यू कैन, अ गुड डॉक्टर कैन एडवाइस के। डॉक्टर साहब, फिर तो इसका मतलब प्यार मोहब्बत की शादियां होने तो खत्म हो जाएगी आधे पेशेंट तो वहां। मैं मिसाल दूं, अभी मैंने अपने बेटे की अपने भाई की बच्ची से की। दोनों को ले गया, छोटा सा टेस्ट होता है ये जो इसका टेस्ट कराता है, दोनों का टेस्ट करवा लिया, इसमें कौन सी हरज की बात है। दोनों जो माशाल्लाह नॉर्मल थे, हंसी खुशी काम हो। अगर मेरा फ़र्ज़ किया कि मुझे मालूम है कि मेरा बेटा जो है कैरियर है, तो मैं उस बच्ची का जरूर करवाता। अगर वो बच्ची भी कैरियर होती तो मैं फिर अवॉइड करता, मैं फिर फैसला रिव्यू करता। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि साइप्रस में एक वक्त 27% ऐसी आबादी थी जिनके अंदर ये कैरियर थे। देखिए, आज मैं सिर्फ 0.25% है। डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे और अली को, हम दोनों लेमैन हैं इस फील्ड में, आपने समझाया कि पहले वो चिप्स वाली बात की आपने, तो हमारे जितने फैशन डिज़ाइनर हैं वो तो चिप्स खा जाते हैं पैदा होने से पहले ही वो वाले, और जो हमारे आपने बात की कि वो छोटी छोटी गाड़ियाँ जो कैरियर्स हैं, इन्होंने तो उन गाड़ियों को बचपन में एक्सीडेंट कर कर की उनमें अली तबसुम हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, एक हमारे ये स्टोन थेरेपिस्ट है, आपके लिए कॉल है। थैंक यू। तो मैं आपके और आपके चाहने वाले के दरमियान, बाय द वे, कल वो कुचू भाई को मैंने बता दिया था। अच्छा। तो मैं भी आपसे बात कराऊंगा, कॉलेज से चल के बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? नहीं, मैं खैरियत से नहीं हूँ।
आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बताएं। मुझे पता है आप खैरियत से, मेरा बड़ा बहुत दिल था आपसे बात करने को, तो बस ये है कि बहुत आपका दिल, देखिए डॉक्टर सरफराज साहब से बात करने के बाद अब जो मुझसे बात करेगा पहले ब्लड टेस्ट करा के आए। ब्लड टेस्ट डॉक्टर साहब उसकी रिपोर्ट देखेंगे फिर अलाउ करेंगे, इससे बात करो इससे नहीं करो। अच्छा। जी अली तबस्सुम हमारे साथ हैं, क्या पूछेंगे? मुझे सबसे पूछना था डॉक्टर साहब से, मालूम करना था ये 3 महीने में के बाद जरूरी ब्लड देना या आप कभी भी दे सकते हैं, इसके क्या टाइम क्या होना चाहिए? जैसे मैं हूँ, मैंने अभी तक 6 महीने से ब्लड नहीं दिया ना, तो कितने टाइम में आप ब्लड दे सकते हैं एक नॉर्मल जैसे? अच्छा गुड क्वेश्चन, ओके डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि मैं हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करूं या? मैं सबसे पहले तुमको सलामत करता हूं और ये यकीनी तौर से हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मोहतरम है, क्योंकि जो शख्स अपना ये टिशू जो है डोनेट करता है और इस अल्लाह ताला की रजामंदी से कि सूरह अल माईदा में जिसने एक शख्स की जान बचाई पूरी इंसानियत को है, तो ये काबिल एहतराम है और बड़ी जज्बे की बात है इनकी। अल्लाह ताला इनको, इनके जज्बे को और इनको सेहत दे। हर सेहतमंद आदमी जिसका वज़न 50 किलोग्राम है, 18 और 60 साल के दरमियान उसकी उम्र हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, नर्व्स नॉर्मल हो, औरत हो या मर्द हो, 12 ग्राम% से उसकी ज़्यादा हेमोग्लोबिन है, बआसानी 3 माह के बाद खून दे सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। हमारी रगों में अल्लाह ताला ने 12 से 13 बोतलें खून की दौड़ाई हैं, माशाल्लाह। ये हमारी रगों में 12 से 13 बोतलें दौड़, अगर एक बोतल हम अतिया कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं आपको अपनी रिसर्च बताऊँ, इसके मुताबिक ये है कि जो लोग रेगुलर खून का अतिया देते हैं वो हमेशा प्रोएक्टिव हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं, कभी उनका मेंटल एटीट्यूड जो है नेगेटिव नहीं होता, माशाल्लाह, हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं, उनका सेल्फ इस्टीम बहुत मजबूत होता है, ये रिसर्च है। एक्सेलेंट। और वो हमेशा जब भी कोई वेलफेयर के काम होते हैं, आप देखिए वो लोग हमेशा आगे आ गए, दुनिया के कामयाब तरीन जो 14 कामयाब तरीन लोग हैं अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, उनमें से अक्सरियत जो है रेगुलरली खून का अतिया देने वाले हैं। ये अली आप इतना जो खुश नज़र आते हैं, आप भी क्या अतिया को सॉरी मेरा मतलब खून का अतिया देते हैं? बिल्ला मैं ज़रूर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमें सबको देना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी उसे सेफ हो रही है तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि अच्छा अमल कोई नहीं। Exactly, और इसका रिटर्न अल्लाह ताला। अच्छा अली भाई, कल एक खातून की कॉल आई थी शाम को हमारे चैनल पे आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा घर हॉन्टेड है। ये कराची से इनकी कॉल थी, समीरा इनका नाम है और इन्होंने कहा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जुलाई है 1963 और कहते हैं कि हमें रात को ऐसा लगता है जैसे घर पे कोई प्रॉब्लम्स हैं। समीरा की वालदा का नाम है जमीला बेगम, राइट? वेल समीरा आशी बिलोंग टू अमून साइन कैंसेरियन है, यहाँ पे इस वक्त इनका ज़रा थोड़ा सा 6th हाउस डिस्टर्ब है, इसमें मैं समझता हूँ कि नेचुरली तौर पे यहाँ पे इनके साथ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है सलमान, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा कुछ ऐसे इंसानी हाथ की तरफ से कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से माइंडली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कह सकता हूँ कि अगर ये अगर कंटिन्यू ब्लैक कलर में या फिर रेड कलर में अगर सदका देती हैं एवरी थर्सडे तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। सूरह फील, सूरह कुरैश एंड सूरह रहमान कंटिन्यू अगर ये तिलावत करती हैं बिफोर आफ्टर दूध इब्राहिम तो 100% जो भी कोई इनको फिज़िकली तौर पे प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ प्रॉब्लम है या ये फील करती हैं कि घर में कोई असरात हैं तो इस सिचुएशन से इंशाल्लाह ये निकल जाएंगी। स्टोन हमारी सिस्टर वेयर कर सकती हैं, पर्ल या फिर मून स्टोन अगर ये पहनती हैं पेंडेंट फॉर्म में या रिंग फिंगर में तो फिज़िकली तौर पर एक्टिव रहेंगी। जो भी कोई वीकनेस फील कर रही हैं या माइंडली तौर पे फील करती है कि जैसे इनके ऊपर कोई असरात है या बंदिश आते हैं तो इस सिचुएशन से भी इंशाल्लाह ये बाहर निकल आएंगे। अच्छा ये तो आपने बता दिया उनको, मुझे भी लगता है ब्रेक पे जाने वाले हैं लेकिन मैं आपसे डॉक्टर साहब दोनों से बोल के ब्रेक के बाद जवाब, मुझे भी लगता है कि अक्सर खवातीन मुझ पर जादू कर रही हैं तो आपके पास मेरी डेट ऑफ बर्थ तो है, आपसे पूछूंगा कि क्या मुझे पत्थर पहनने चाहिए या डॉक्टर साहब से पूछूंगा ब्लड डोनेट करूँ ताकि वो असरात निकल जाए। और इन टाइम फॉर अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक ऑनरेबल डॉक्टर सरफराज अहमदास एंड ऑनरेबल मिस्टर अली तबस्सुम इज़ ऑल्सो विद अस, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से एक बहुत अच्छा सवाल पूछा हमारे भाई ने कि मैं जो साइकिल ऑफ डोनेशन है हर 3 महीने के बाद कंटिन्यू कर सकता हूँ, आपको बहुत सलाम है मेरे दोस्त। जो इंसान बगैर किसी गर्ज के बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के अल्लाह ताला की राह में यूँ अपना यू नो यू दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यू जब डोनेट करता है तो उसका अजर तो आपको डायरेक्ट अल्लाह ताला से उन लोगों की दुआ से मिलेगा जिसको आपकी वजह से सेहत याबी और शफा होगी। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट आज सुबह अली सलमान।